धर्मशास्त्र विषय व्रत नियम तथा नक्षत्र दर्शनान्नक्तम केचि दिच्छन्ति मानवा मुहूर्तोनम दिनम केचित प्रवदन्ति मनीषिणा। नक्षत्र दर्शनाचाहम नक्तम मन्ये नराधिप। अत्र नक्षत्र दर्शनान नक्तम इति सामान्य नक्त व्रत विषयक परम वाक्यम। मुहूर्तोनम दिनम सौरव्रते मुहूर्तो दिनस्य पंचदशो भागः। मुहूर्तो दिनस्य पंचदशो भागः उक्तम तथा नरसिंह पुराणे आत्मद्विगुण छायायां जदा संतिष्ठते रविः सौरम नक्तम बिजानीयात नो नक्तम निशि भोजनम। आत्मद्विगुण छायायां जदा संतिष्ठते रविः सौरम नक्तम बिजानीयात नो नक्तम निशि भोजनम। अत्र पूर्ववाक्य के वाक्यतया आत्मद्विगुण छायाया पूर्वावधि। अत्र पूर्ववाक्यैक वाक्यतया आत्मद्विगुण छायाया पूर्वावधि। तेन तदनन्तरं दिनशेखे भोजनम् इति अर्थः। अथ च एतत् विषयक संबंधी नियमा भविष्य पुराणे भी उक्तम तथा हविष्य भोजनम स्नानम सत्यमाहार लाघवम। हविष्य भोजनम स्नानम सत्यमाहार लाघवम अग्निकार्य मध सज्जाम नक्त भोजी खडाचरेत। अत्र अग्निकार्य होम हवनादिक अथ सज्जा मित्रेण खड्वाद निवृत्तम। अथ सज्जा इतनेन खड्वाद निवृत्तम तो भूमावेव शयनम उचितम इति। नक्त भोजनम आवश्यकम कर्तव्यम इति संबंधे देवी पुराणे भी उक्तम व्यासः। हविष्य भोजनम स्नानम सत्यमाहार लाघवम। हविष्य भोजनम स्नानम सत्यमाहार लाघवम अग्निकार्य मध सज्जाम नक्त भोजी खडाचरेत। हविष्य भोजनम स्नानम सत्यमाहार लाघवम अग्निकार्य मध सज्जाम नक्त भोजी खडाचरेत। व्रतमात्रे उक्तो नियमः भैष पुराणे तथा क्षमा सत्यम दयादानम शोचमिंद्रिय निग्रहः। क्षमा सत्यम दया दानम शोचमिंद्रिय निग्रहः। देवपूजाग्निहवनम संतोषस्तेयवर्धनम सर्वं व्रते क्षयं धर्मः। सर्वं व्रते क्षयं धर्मः सामान्यो दशधा स्मृतम्। सर्वव्रते क्षयं धर्मः सामान्यो दशधा स्मृतः। अग्निहवनं तु यत्र विशिष्ट विहितं तत्रैव अग्निहवनं यत्र विशिष्य विहितं तत्रैव। अथोपवा शब्दार्थः उपावृतस्तु दुःखेभ्यो जस्तुवासो गुणैस्सह। उपा शब्दार्थः उपावृतस्तु दुःखेभ्यो जस्तुवासो गुणैस्सह। उपवासस्य विज्ञेयः सर्वदोषविवर्धितः।
गंधालंकार वस्त्राणि पुष्पमाल्यानुलेपनम्। गंधालंकार वस्त्राणि पुष्पमाल्यानुलेपनम् उपवासेन दुष्यन्ति दंतभाव धावन मंदनम्। शातातपः अत्र दंतधावनम् पत्रद्वारा कार्यम्, दंतधावनम् नैव कार्यम् इति तुलः। अत्र दंतधावनम् तु पत्रद्वारा कार्यम्, उवासे तथापि ते नो खादेत् दंतधावनम्। दंतानां काष्ठसंयोगात् दहत्या सप्तमं कुलम्, तथा च देवलोपि उक्तम् उपवासः प्रणश्येत दिवास्वापात् च मैथुनैः। अत्यये चाम्बुपानेन नोपवासः प्रणश्यति। अत्यये चाम्बुपानेन चोपवासः प्रणश्यति। एतत् सम्बन्धे निर्णय तो प्रदीपे विहितम्, प्रदीपे विहितम् एतत् सम्बन्ध निर्णय किं यथा कांसं मांसं मसूरं च कोद्रवं चणकं तथा साकं मधुं परान्नं च त्यजे दुष्पवसन् स्त्रियं शुभंकर तीर्थ ने भी कथितम यत अत्रोपवास देने दंतधावनम हिंसा मनरितम चौर्ज मसकृत जलपानम तांबूल भक्षणम स्त्री संयोगम दिवास्वापम द्यूतम च वर्जयेत्। प्रमादतः कृष्यति, यदि प्रमादतः कृते तदा साध्योपवास दिवसे कृत्वा दंतस्य धावनम्, श्राद्धोपवास दिवसे कृत्वा दंतस्य धावनम् गायत्र्या शतशः पूतम् अम्बुप्रास्य विशुध्यति। हिंसा चोर्जयोः प्रायश्चित्तम् स्पन्दे विभिहितः तथा स्तेन हिंसकयोः संख्यम् कृत्वा स्तेनम् च हिंसनम् प्रायश्चित्तम् प्रतिकूर्जात् जपे नाम सतत्रयम्। किम नाम सतत्रयम्, किम नाम जपेत तो विष्णु नाम। कात्यायने भी उक्तम मिथ्यावादे तिवास्वापे बहुसोम निखेवने अष्टाक्षर व्रतिम जप्त्वा शतमष्टोत्तरम शुचि। अष्टाष्टम तो नमो नारायणाय इति रेतस्येकात्मक भोग मृत्युन्यत्र क्षय स्मृतः तथा रेतस्येके ऋतुकाले गर्भाधान निमित्तकम् तदात्मकं भोगं वर्जित्वा अन्यत्र भोगो व्रतस्य क्षयः। ऋतुकालस्य खोडस निशा, ऋतुकालस्य खोडस निशा असंभाक्षं समाभाक्षं तुलस्य तासि कादलम् आमलक्या फलं वापि व्रति प्राच्य विशुध्यति। आमलकस्य महात्म्यम् द्युते दिवा स्वप्नवदिति। तत्रोपवासात् पूर्वदिने एकभुक्तस्य आवश्यकत्वं मुक्तं निबन्धकाला एकभुक्तेन जो मर्त्य उपवास व्रतं चरेत् तस्यैव व्रतसाङ्गत्वं नान्यथां तु कदाचन। तत्संयम उक्तो लघु नारदी पुराणे भी दशम्याद महीपाल त्रिदिनम परिवर्जयेत
दशम्यादि महिपाल त्रिदिनम परिवर्धित गंध तांबूल पुष्पादि स्त्री संभोगम महायशा यतन्मित्तक नियम तो कूर्मपुराणे विहित कूर्म पुराणे विहित यथा कांसं मांसं मसूरान्नम चणकम कोद्रवम तथा साकम मधुम परान्नम च त्यजे दूपन स्त्रियम तथा च साकं मांसं मसूराश्च पुनः भोजन मैथुने दूतमत्यम पानम च दशम्यां विष्णवस्त्यजेत विष्णवानां कृते एकादश्याम इति नियमः असकृत जलपाना च सकृत तांबूल चरणात् उपवास प्रणश्येत दिवास्वापाच मैथुनात् इति।